हेलो दोस्तों, मैं विजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने एसआर ज्ञान चैनल के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एमआई के राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे को आईएसपी, स्टैटिक आईपी, पीपीओई और डीएचसीपी मोड, तीन मोड होते हैं इसके अंदर। तो हम तीनों मोड के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले पीपीओ के बारे में जानेंगे। पीपीओ के सेटिंग करने के लिए सबसे पहले पावर राउटर को बाइट, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चलता है कि ये इस पे, इसके लिए आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ। इस पे राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे। इसमें चेंज एडाप्टर सेटिंग आपको ढूंढना है कहाँ पे है, सेकंड या थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सारे जितने भी आपके वाईफाई, ब्लूटूथ, एथरनेट जितने भी आपके आ जाएंगे, हमें अगर लैन से कनेक्ट है तो एथरनेट, तो वाईफाई से कनेक्ट है तो वाईफाई। हम लैन से कनेक्ट है अभी तो हम इस पे राइट क्लिक, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे। स्टेटस के अंदर हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें हम देखेंगे डिटेल। डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो है आईपी एड्रेस 192.168.31.144 है, और गेटवे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गेटवे जो ये गेटवे है यही हमारा लॉगिन पेज, इसी से खुलेगा। तो अगर हमें किसी राउटर का नहीं है बाय डिफॉल्ट पता, तो हम यहाँ से ऐसे सेटिंग्स से हम चेक कर सकते हैं। 192.168.31.1 अभी इसका है, हम इसको गए फिर से मैं ओपन कर लेता हूं। अब ये सबसे फर्स्ट पेज है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम सीधे एग्री करना है। एग्री करने के बाद हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट खुलेगा। एंटर द यूजर नेम एंड प्रोवाइड योर इंटरनेट सर्विस। डीएससीपी मोड पे क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है। डीएससीपी मोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पूछेगा नेटवर्क का नेम। नेटवर्क का नेम से मतलब है आप अपने वाईफाई का क्या नाम रखना चाहते हैं। वाईफाई का नाम अभी हम रखना चाहते हैं एसआर ज्ञान, और पासवर्ड, पासवर्ड हम कॉम्बिनेशन में रखेंगे @SRJ@#। हम यहाँ पे पासवर्ड देख लेते हैं @SRJ@#। आपको ध्यान ये रखना है कि पासवर्ड के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन लेटर जरूर डालें। अगर आप कॉम्बिनेशन लेटर अगर नहीं डालते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। बिना समय गवाए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है होम, कंपनी, अदर। आप अगर ये कोई वैसा स्पेसिफिकेशन है कि आप इसमें होम या कंपनी अदर या कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये आपका सिर्फ रिमेम्बर के लिए। आप होम में यूज करो, कंपनी में यूज करो, अदर का यूज करो, तब होम कर दो, बेसिक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको एडमिन पासवर्ड देना है। जब आप राउटर को, अभी हमने जब फर्स्ट पेज खोला था, वो हमें देना है। अगर वो हम नहीं देंगे या हम भूल जाएंगे तो हम राउटर को लॉग इन नहीं कर सकते, अपना वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पे पासवर्ड देना जरूरी है। मैं पासवर्ड में जो है डाल देता हूँ फिलहाल अभी रिमेम्बर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया। सेम एज वाईफाई, अगर आपको सेम वाईफाई मतलब आपने वाईफाई का जो SSID बनाया है हमने SR ज्ञान, उसका जो पासवर्ड हमने जो लिया था अभी पीछे @SRJ@#, अगर वही चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम पासवर्ड दोनों का ले लेगा, वाईफाई राउटर का भी, लॉगिन का भी। पर हमें दोनों का डिफरेंट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सेटअप सक्सेसफुल करते हैं। ये हमारा यहाँ पे सेव करना चाहता है, सेव कर लीजिए, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। हमारा ये क्रिएट हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, और द राउटर विल बी द कनेक्ट टू द नेटवर्क आफ्टर द रिबूट। सेटिंग होने के बाद हम कुछ मिनट वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आ गया है स्कैन क्यूआर टू डाउनलोड कनेक्ट टू द नेटवर्क राउटर एडमिन पेज।
तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें राउटर एडमिन पेज पे जाना है सीधे। सबसे पहले राउटर का एडमिन पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको सब दिखला रहा है, क्लिक शो द डाउन, क्लिक टू शो ऑनलाइन डिवाइस जो आपके वाईफाई राउटर से डिवाइस कनेक्ट होंगे, और क्लिक टू शो इंटरनेट स्टेटस जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको दे रखा है, तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप यहाँ से ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जटिया एक डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस देखना चाहते हैं, क्लिक किया तो हमें यहाँ पे नीचे शो कर देगा डेस्कटॉप कनेक्ट है मेरा ये, उसकी आईपी एड्रेस आ रही है, मैक एड्रेस आ रहा है, और हमारा ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वो क्रॉस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, हम इसको बैक कर लेते हैं। अब हमें इंटरनेट की सेटिंग करनी है, हम इसमें सीखेंगे पीपीओ की सेटिंग कैसे करते हैं। सेटिंग में गए, हमें वायरलेस की सेटिंग करी ली थी, हमें वायरलेस की सेटिंग नहीं करनी, और हम यहाँ पे देख भी लेते हैं हमारा वायरलेस जो है एसआर ज्ञान के नाम से आ रहा है या नहीं। हमारा जो वायरलेस है एसआर ज्ञान के नाम से आ रहा है, और हम इसे कनेक्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगे, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसको छोड़ते हैं हम, इसको छोड़ते हैं हम, वर्क करते हैं। अब हम इंटरनेट सेटअप पे आ गए, हमें देखना है पीपीओ कनेक्शन, हम पीपीओ कनेक्शन पे गए, ठीक है, अकाउंट नेम एंड पासवर्ड, हमें अकाउंट नेम और पासवर्ड चाहिए जो हमारे आईएसपी के द्वारा हमें मिला हुआ है, वो आप अपने आईएसपी से पूछ सकते हैं क्या है, और हम यहाँ पे डाल देते हैं और पासवर्ड भी डाल देते हैं, और अप्लाई कर देते हैं। पासवर्ड में कुछ इशू है, अप्लाई, ओके, ये देखिए हमारे ये कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे आईपी उठा लिया है, डिफॉल्ट गेटवे है और डीएनएस है, और डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। और इसको कंट्रोल वी किया, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया गया मेरा नेम, सर्विस प्रोवाइडर नेम है सीआरआईएसपी पीपीओई, इसको मैंने अप्लाई किया, और हम देखेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और चेकिंग इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट हो गया, सेम आईपी सेम सब कुछ है, और नीचे मैं यूज कर रहा हूँ प्रोवाइडर नेम यूज कर रहा हूँ। पीपीओ के लिए सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन होती है और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, और आप इसके द्वारा जो है अपने वाईफाई के अंदर अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वायरलेस सेटिंग में जाइए, और यहाँ पे जैसे एसआर ज्ञान है, और अगर आप नाम चेंज करना नहीं चाहते सिर्फ पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड शो कर रहा है, जो सभी पासवर्ड आप डालेंगे 1 2 3 सेव किया, ओके, अप्लाई हो रहा है, 3 सेकेंड राउटर रिबूट होगा, ये चेंज हो गया है। और हम कनेक्ट करके भी देख लेते हैं वाईफाई से, अगर कनेक्ट करना चाहते हैं हमने क्या एसआर ज्ञान कनेक्ट, और ये कनेक्ट हो गया हमारा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसआर ज्ञान से हमारा ये कनेक्ट है, कनेक्ट दिखा रहा है एसआर ज्ञान। अब हम वाईफाई का नाम चेंज करके देखेंगे, एसआर ज्ञान जो आ रहा है इसको हम चेंज करते हैं, कर दिया और ओके कर दिया, वाईफाई राउटर रिस्टार्ट, फिर टाइम लेगा रिस्टार्ट होने में, वेट कर लेते हैं, नो इंटरनेट आ रहा है, वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गया, देखते हैं वाईफाई एसआर ज्ञान के नाम से आ, देखिए एसआर ज्ञान न्यू भी आ रहा है, ये हमारे कुकीज के कारण से आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, एसआर ज्ञान आपके नाम पे जाएंगे हम @SRGyan6112, ये पासवर्ड था हमारा, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और वेरीफाई, और कनेक्ट हो गया, कनेक्ट राउटर भी खुल गया हमारा, और राउटर का पेज भी खुल गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, पीपीओ कनेक्शन पे हमने देखा कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, और हमारा नेट भी चल रहा है, कर लेते हैं वाईफाई के थ्रू, गूगल सर्च कर पा रहे हैं हम। अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे
स्टैटिक आईपी पे, पीपीओ के बाद इसमें आता है थर्ड नंबर पे स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी के अंदर हम जो है स्टैटिक आईपी करेंगे, जैसे कि हम करते हैं ये, हमने इसके अंदर ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन कर दी है और हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखें वो चेंज हो जाएगा, जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा और हमारी स्टैटिक आईपी डिस्प्ले होगी। ये हमारी स्टैटिक आईपी डिस्प्ले हो रही है और मैं इसके बाद अब गूगल चल रहा है, मैं कर लेता हूँ, मैं खोल पा रहा हूँ, यानी कि मेरा स्टैटिक आईपी वर्क कर रहा है। और स्टैटिक आईपी के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें अपने आईएसपी के थ्रू जो है हमारे को स्टैटिक आईपी पता होनी चाहिए हमको क्या साइन की गई है, और छोटे से कॉन्फ़िगरेशन से हम अपने राउटर को खुद ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके अंदर एक सेकंड ऑप्शन आता है डीएचसीपी मोड हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर डीएचसीपी कैसे वर्क करता है। हमने डीएचसीपी पे क्लिक किया, आप ये डीएनएस डालना चाहते हैं ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पे देखिए आईपी चेंज होके डीएचसीपी आईपी उठाएगा, राउटर कॉन्फ़िगरेशन सेफ हो रही है, डीएचसीपी आईपी हमारी उठा रहा है 192.168.1.2 और गेटवे। मैंने कोई भी राउटर खोलना होता है तो हमारा गेटवे होता है, जो गेटवे उठा रहा है ये हमारा राउटर है। सपोज हम पे हमारा मेन कनेक्शन है, सेकंड फ्लोर पे हमारा एमआई का राउटर है, तो एमआई के राउटर को हमें फर्स्ट फ्लोर के राउटर से कनेक्ट करना है, तो हमें उसे डीएचसीपी मोड पे चलाना पड़ेगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट राउटर में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके इमेज के अंदर हमारा एक लैन पोर्ट है और एक वैन पोर्ट है। तो हमारे एमआई के वैन पोर्ट के अंदर हमारे फर्स्ट राउटर के लैन पोर्ट से वैन पोर्ट में केबल जाएगी। इमेज में आपको क्लियरिफाई हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउटर है, अगर मैं फर्स्ट राउटर सपोज दैट मैं कनेक्ट हूँ अभी फिलहाल एसआर ज्ञान न्यू से जो एमआई का राउटर है, पर मेरा फर्स्ट राउटर जो है वो टेंडा का है, तो मैं उसको अगर देखो ये मेरा गेटवे का इसकी इसके आईपी और मैंने यहाँ पेस्ट एंड गो कर दिया, तो टेंडा का मेरा राउटर खुल गया, एडमिन में मैंने लॉग इन किया और मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ गई है, यानी कि मैं कनेक्ट जो हूँ वो तो अपने एमआई के राउटर से, पर मेन जो मेरा कनेक्शन है वो टेंडा से चल रहा है जो कि मेरे फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है और उससे मैं ये इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए सिलसिले नोटिफिकेशन के लिए। और भी राउटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जैसे उसके ऊपर वीडियो बनाने की या